हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द ब्राइड्समेड सीरीज़। तो आज मेरे पास टाइम था, सो आई थॉट कि आई विल यू नो गो आउट एंड सी अगर मेरे को कोई और ड्रेस मिलता है। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा ना कि आई एंडेड अप बाइंग वन ड्रेस। तो मेरा एक ड्रेस हो चुका है अबाउट विच आई वॉज रियली हैप्पी कि चलो एक ड्रेस तो हो गया है, पर मेरे को और भी ड्रेसेस चाहिए। सो या दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो ये वाला यू नो वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आई हैड ऑलरेडी विजिटेड टू और थ्री प्लेसेस जिसका वीडियो आई डेंट रिकॉर्ड, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विथ एनी ऑफ द यू नो ड्रेसेस दैट आई सॉ देयर। यहाँ पर ना एक बुटीक है जिसका मेरे को पता है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू सी वॉट कलेक्शंस दे हैव गॉट, सो आई एम जस्ट एक्साइटेड टू गो टू दैट बुटीक नाउ। ओके, सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। वो बुटीक बंद हो चुका है, आप देख सकते हो। इस पॉइंट पर ना मेरे को बहुत ज़्यादा भूख भी लगने लगा था, सो उसके ठीक सामने ना मॉरिश का ये आउटलेट है। सो मेरे को मॉरिश का आउटलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील होता है क्योंकि व्हेन आई वाज इन कॉलेज यू नो आई यूज़ टू कम हियर ऑल द टाइम। सो व्हेन एवर आई एम अराउंड द आउटलेट आई मेक श्योर कि आई गो इन एंड एटलीस्ट ईट समथिंग देयर। और अभी तो मेरे को भूख भी ऐसे लग ही रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं, बट आई सॉ इट एंड इसका स्मेल से मेरे को ऐसे भूख लगने लगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा सामान रखा हुआ है, आई मीन दे हैव गॉट ऑल सॉर्ट ऑफ ब्रेड्स, केक्स, मफिन्स, सब कुछ है यहाँ पर। सो आई वाज जस्ट यू नो थिंकिंग कि मेरे को क्या खाना है। सो एक्चुअली ऑलमोस्ट लंच टाइम होने हो ही रहा था, सो आई डिडंट वांट टू ईट अ लॉट, बट आई जस्ट वांटेड टू हैव समथिंग एटलीस्ट। तो यहाँ का जो क्रीम रोल है ना वो बहुत टेस्टी होता है। इफ़ यू आर अराउंड अ मॉरिश स्टोर, मेक श्योर टू ईट द क्रीम रोल। सो आई पर्सनली लाइक द वनीला फ्लेवर, सो दिस इज़ वॉट आई एक्चुअली एंडेड अप ईटिंग। सो यहाँ पे आने के बाद ना आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अब मेरे को करना क्या है, बिकॉज ये शॉप तो आप पीछे देख सकते हो कि बंद हो ही चुका है, एंड आई वॉज वेरी नर्वस एट द सेम टाइम, दो आई वॉज ट्राइंग टू इन्जॉय माई सेल्फ यू नो ईटिंग सम स्टफ एंड यू नो जस्ट फीलिंग गुड अबाउट इट। सो दैट्स वॉट आई वॉज डूइंग, बट हैविंग सेट दैट आई वॉज जस्ट वरिड कि आगे करना क्या है बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी ड्रेस। और देयर इज़ वन मोर थिंग कि मॉरिश का जो बेकरीज होता है ना वहाँ पे सारा सामान एगलेस होता है, विच आई रियली लाइक बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। तो यहाँ से खाने के बाद ना आई फटाफट लेफ्ट फॉर सम अदर प्लेसेज लाइक सम अदर बुटीक्स टू चेक आउट द ड्रेसेज देयर। सो वाइल आई वॉज ऑन माई वे आई वॉज जस्ट यू नो थिंकिंग कि मेरे को कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम यू नो रीचिंग द एंड ऑफ दिस मंथ एंड आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई शॉपिंग येट। तो वो जो एक एनजाइटी होता है ना वो कहीं ना कहीं किक इन कर चुका था, बट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू काम माई सेल्फ डाउन कि कुछ तो मिल ही जाएगा, बट या दैट्स वॉट आई वॉज ट्राइंग टू डू। आई वॉज जस्ट यू नो ड्राइविंग एंड ट्राइंग टू फिगर आउट। तो आई एंडेड अप गोइंग टू वन प्लेस एंड वहाँ पर ना मेरे को एक ड्रेस थोड़ा समझ में आया, सो आई एंडेड अप ट्राइंग दैट। तो मेरे को ना इसमें ये दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बट व्हेन आई ट्राइड ना इसका वर्क मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं। बहुत एक्सट्रीमली हैवी लग रहा था एंड जैसा ये दिख रहा था उस तरह से ये बॉडी पे फॉल नहीं कर रहा था। एंड इसके साथ ये चुन्नी भी था विच आई यू नो पुट ऑन एंड उसको भी ट्राई किया साथ में, पर ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था पहनने के बाद। आई वॉज इन फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ, आई एम नॉट श्योर कि इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या था, बट आई वॉज जस्ट नॉट फीलिंग माई सेल्फ इज़ यू नो वॉट आई फेल्ट। ऐसे तो आई एम लुकिंग फॉर अ ड्रेस फॉर मॉर्निंग इवेंट ओनली, तो उस हिसाब से लाइट कलर इज समथिंग दैट आई विल बी गोइंग फॉर, पर समहाउ ये ड्रेस में ना आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली वॉश्ड आउट, सो आई चेंज इट एंड इसके अलावा मेरे को कुछ और यहाँ पे समझ नहीं आया। तो अब तक ना आई हैड चेक्ड आउट 4-5 प्लेसेस पर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, आई वॉज एक्सट्रीमली यू नो एग्जॉस्टेड एंड डिसअपॉइंटेड। उसके बाद ना आई हेडेड स्ट्रेट टू द होम विदाउट एक्चुअली बाइंग एनीथिंग। सो या गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज व्लॉग। एट द एंड ऑफ द डे मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया एंड आई केम होम एम्प्टी हैंड। सो वाइल आई वॉज कमिंग बैक होम आई वॉज एक्सट्रीमली लो, यू नो आई वॉज फीलिंग सो लो एंड बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इरिटेशन हो रहा था, मतलब बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ रहा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वॉट शुड आई डू बिकॉज आई डेंट एंड अप बाइंग एनी थिंग एंड यू नो वेडिंग का डेट्स पास आ रहा है एंड आई एम जस्ट लाइक नॉट एबल टू यू नो अंडरस्टैंड कि कैसे आई विल डू एवरी थिंग। सो दैट वॉज ऑल दैट आई वॉज थिंकिंग वाइल आई वॉज कमिंग बैक होम। पर घर आने के बाद व्हेन आई थॉट ऑफ इट मेरे को ऐसा लगा कि शायद ये जर्नी ही ऐसा है कि यू नो यू विल फील डिसहार्टेंड एंड डिसअपॉइंटेड अ लॉट ऑफ टाइम। एंड कई बार ऐसा भी होगा कि आप चाहोगे कि यू नो आपके कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ जाए, बट उनके प्लेट में भी इतना कुछ है ना टू डील विथ कि वो शायद आपको वो टाइम ना दे पाए। सो यू नो ऑल आई कैन से इज दैट यू शुड नॉट यू नो गिव अप होप एंड जस्ट बी पॉजिटिव एंड डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी कि या मेरा
रहा, ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा. दैट इज़ वॉट आई थॉट कि आई विल नॉट डू दैट. कह रहे मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं. आई जस्ट गो अगेन अनदर डे एंड देन ट्राई टू अगेन सर्च समथिंग. आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. इट इज़ जस्ट दैट यू नो वी शुडंट बी यू नो लूजिंग होप इज ऑल आई कैन से. सो या दैट वॉज इट. सो इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन यू नो चेकिंग आउट माई अदर ब्राइड्समेड ब्लॉग दैट आई हैव मेड, तो आप इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करके मतलब आई प्रोवाइड द लिंक समवेयर ओवर हियर, तो आप उस पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हो. या सो इफ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.